एक शिकार करनी थी। क्या बताइए? अमृत कह रही थी कि वो तेरा इंतजार करती रहती है और तू उसे मिलने नहीं जाता। भाई जाता क्यों नहीं? तायरी, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है काम ढूंढना, और उससे भी मुश्किल काम है उसको सेटअप करना। क्या? उसको जमाना। ठीक बात है भाई। ये दोनों काम पूरे हो जाए उसके बाद अमृत और शिकायत करने लगेगी आपको। वो क्या कहेगी? भाई घर में जम के बैठ गया, जाता ही नहीं मेरे घर से। क्या है? मेरे से बात कर भाई, वो मेरे से बात कर रहे। चलता हूँ मैं। चिड़िया नहीं जाती। अच्छा अच्छा, तुम्हें जब देख जमकर बंदिश करियो, मिलखा सिंह बन जा, आप दौड़ लगाऊंगा तुझसे। आ सुन, तेरे वो दोनों कमाऊ पूत नहीं दिखाई दे रहे। हाँ चले गए। अजी मेले पे गए हैं, परसों तक आ जाएंगे। लड़ाई की नित नई खबरें लेकर आते हैं। आज बाप को जरूरत पड़ी तो मेला देखने चले गए। निकम्मे निकम्मे कहते रहते हो, मेले पे गए हैं तो कुछ कर ही आएंगे ना। केवल कमाता तो उसके बाप ने उस पर खर्च भी तो किया था। हर समय निकम्मे निकम्मे कहते रहते हो, काम करने के लिए बचा ही क्या? सब तो बेच के खा गए, क्या बचा है बाकी? सिर्फ ये 2 एकड़। तू फिक्र ना कर पुत्र, जल्दी से 5 एकड़ जमीन और मिलने वाली है, 7 एकड़ तो बतेरी है ना। रहन दो। सुन, कल परजाई के पास मिलने जाना है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे बात करना है, और अपने मुश्त अंधों को भी समझा दे, ये अपनी चौधराहट न दिखाए। वहाँ दो मक्खियाँ फिल्म देखने गईं दिल्ली शहर में। जब रात को फिल्म खत्म हुई तो एक मक्खी बोलती है दूसरी को कि हाय हाय मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जाता। दूसरी बोलती है कोई बात नहीं, कुत्ता कर लेते हैं। कौन है? सुधा जी, शराफत आ गई है डेरा डालने। रजो खैर करो, लगता है गांव में आफत आने वाली है। वहां जाकर जरा अच्छी तरह फरीदों जैसा बर्ताव करना। हाँ हाँ सुनूंगा। भूख लगी है तुझे? अभी देखिए। केवल पुत्र है। खुश रहा आप थोड़ा अभी जी किधर है? ठीक हो? आप कैसे हो? बस ठीक हो। बहन की मदद करना है। हेलो, हट जा। बड़े हो गए सब। राम लाल हो। आओ बैठो। बैठो। इतने दिनों बाद आज याद आए हमारी सर। भाभी जी, आपने भी तो कभी याद नहीं किया, आज हम आ ही गए आपसे मिलने के लिए। बहुत अच्छा। बैठना पुत्र, खड़ी क्यों? आ चाची को ला। अरे कमलिए,
चाचा चाची प्रामा के लिए चाय तो बना ला। अब तो काफी बड़ी हो गई है। फोन पर जाए जी, कभी कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, इस दरानी को तो आपने कभी याद ही नहीं करा। और बताओ केवल कब आ रहा है? कली चिट्ठी आई है, परसों आ रहा है। रब रखे, सुना है उसका काम अब बहुत अच्छा चल रहा है। कृपा है ईश्वर की। पर जाए जी, केवल आ जाए तो मुझे उससे कुछ बातें करनी है, और आपसे भी। मुझसे भी? हाँ पर जाए जी, क्या ये अच्छा लगता है कि आपकी जमीन पर, यानी कि मेरे बड़े भाई साहब की जमीन पर कोई और वाही करे? छोड़ो पर जाए जी, ये बताओ कमला का क्या सोचा है? तुम लोग बैठे हो, फिर मैंने क्या सोचना है? पर जाए जी, अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो इसको 10 दिन में दफा कर दे। केवल का कहना है जितना वो खुद पढ़ा है उतना ही उसे पढ़ाएगा। पर जाए जी, केवल का तो शहर में रहकर दिमाग खराब हो गया है, कहीं गांव की लड़कियां भी पढ़ा करती हैं। पर जाए जी, अगर ये ज्यादा पढ़ लिख गई ना तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जो उसे पढ़ाएगा वो उसके लिए लड़का भी ढूंढ लेगा। लड़कियां तो माँ बाप के ऊपर कर्ज होती है पर जाए जी, जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही चंगा है। चाची मैं कर्ज वर्ज कोई नहीं हूँ, सूद हूँ सूद, जितना बढ़ूंगी उतना अच्छा लगूंगी। टल्ली मोई, आपने ब्याह की गल्ला कर दी है। ब्याह की नहीं चाची, मैं तो कर्ज की बात कर रही हूँ। पर जाए जी, उठाने को तो सारे परिवार की जिम्मेदारी मैं उठा लूं, पर मेरे पास तो 2 एकड़ जमीन है और खाने वाले हैं हम 7। पर जाए जी, अगर ये सारी जमीन इकट्ठी हो जाए तो क्या मतलब? मतलब छोड़ो पर जाए जी, ये तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये सारा गांव कभी हमारा हुआ करता था, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये हालत हो गई है कि आज रोटियों के लाले पड़ गए हैं। और परजाई जी, ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि हमारी जमीन पर कोई दूसरा वाही करे। मैं तो अपनी जमीन पर मेहनत करना चाहती थी, मगर केवल अड़ गया कि कोई जरूरत नहीं है, जमीन किसी को हिस्से पर दे दे। हम क्या मर गए हैं? हमारे होते हुए जमीन पर काम करती क्यों तुम अच्छी लगोगी? क्यों जी? हाँ जी ठीक है, केवल पढ़ लिख गया है, काम भी करने लगा है, लेकिन अभी है तो वो बच्चा ही ना, दुनियादारी जमीन जायदाद की बातें अभी उसके समझ में नहीं आएंगी। और पर जाए, अगर जमीन सांझी हो जाएगी तो कोई फिक्र पाता ही नहीं रहेगा। हम जाने, हमारा काम अपने आप फसल उगाकर तुम्हारे लिए भेज दिया करेंगे। चाचा जी आप क्यों चक्कर में पड़ते हो? केवल ने तो जमीन पहले ही ताय कृपाल सिंह जी को हिस्से पर दे रखी है। अरे वो पराया, हम अपने, वो क्या संभालेगा जमीन को? वो तो कमला, बच्चे जब बड़े बात करते हुआ करें तो बीच में नहीं बोला करते। पर जाई जी, मेरा ये मशवरा है कि आप जमीन इनके नाम कर दो। 7 एकड़ जमीन होगी तो गांव में कितना रुतबा होगा, कितनी शान होगी, और फिर आमदनी भी तो ज्यादा होगी ना। क्यों जी? हाँ जी, आमदनी तो तुम्हारी होगी ना, और हमारी कमला राजी, और फिर मेरे बच्चे पालूंगा ना मैं, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ही, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा मैं ही तो रह गया हूँ। अजी पालेंगे क्या, बड़ी अच्छी तरह पालेंगे, कमला की धूमधाम से शादी करेंगे, बाप की जगह ले रहे हैं, कोई ऐसे ही थोड़ा है। पर जमीन कैसे कर दूं मैं तुम्हारे नाम? परजाई जी, तुमने कचहरियों के चक्कर थोड़ी लगाने हैं, और फिर मैं ये कचहरी का कागज तैयार कहाँ कर ले आया हूँ, इसको बताओ। और परजाई तुमने जमीन करनी भी क्या है, कमला की शादी तो हम करेंगे, और केवल तो शहर में नौकरी करता है, तुम्हारी जमीन तो कृपाल सिंह ही खा जाएगा ना, हमारे खानदान की जायदाद का सुख तो उसका परिवार भोगेगा ना। जल्दी से दस्तक करो यहाँ पर। जब जमीन हमारे पास रहेगी ना तो कमला के लिए हमारे घर में जगह तो होगी ना। परजाई जी अपने फिर अपने ही होते, और हमसे अपना कौन हो सकता। परजाई जी दस्तक करो, मैं केवल की माँ भी हूँ, कल उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, मैं उनका हक नहीं छीन सकती। ना मंगत ना, मैं कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकती जिससे मुझे कल केवल के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ तो हमने ले ही ली है। फिर भी अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारी जमीन हथिया लूंगा तो मैं तुम पर चादर डालने के लिए तैयार हूँ। मंगल तेरी जुर्रत कैसे हुई है सब कुछ कहने की? अरे वैसे तो तुम मेरी सौत बन जाओगी, और सौत तो मिट्टी की भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन खानदान की इज्जत के लिए अगर तुम जमीन सांझी करने को तैयार हो
तो मैं भी अपना हक बांट लूंगी। क्यों जी? हाँ जी, चादर डालने से तुम्हारे सर पर खाक डल जाएगी। वैसे चाहे तुम और बोलो ना तो देख लो, कमीनी हरकत करोगे मुझे मालूम नहीं था। अरे हमने क्या नीचपन किया है? जमीन और आदमी जिस औरत के लिए बराबर हो सकती है। जो आदमी जमीन के लिए अपनी मां समान को आदमी पर चादर डालने के लिए तैयार हो, वो उनसे नीच लोग इस दुनिया में और कहां होंगे। चुप रहो कमला। मैं चुप नहीं रहूंगी। परचाई जी, मैं तो ब्याह के बारे में बात कर रहा था। तुमने इसे बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं सिखाई। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? तुम ब्याह की नहीं सौदे की बात कर रहे हो। जमीन दे उस बात खत्म ले। तुम्हें जब ये बात करता हूँ। बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम, चकर चकर बोल रही है। एक हाथ की धरती तो, अरे हम तो तेरी माँ के भले की बात कर रहे थे। अरे इसे अपने कल पर बहुत भरोसा है ना। कल केवल की शादी होगी, कल केवल के बच्चे होंगे, इसे ये नहीं मालूम कल क्या होना है। क्या पता कल केवल जिंदा भी रहे या नहीं। बोल, 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 बोल। मेरे भाई के बारे में उल्टा बोलने वाले की जुबान चले, उसके मुंह में कीड़े पड़े। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। अरे चले जाते हैं, चले जाते हैं। तुम माँ बेटी को बहुत नाज है अपने पर, हम भी देख लेंगे कल क्या होता है। चलो जी चले। चलो पुत्र, चलो। सदा जी शरीफों का टबर आ गया, टंगर आ गया, टंगर। अंदर अपने हाथ में चलो, मैं अभी आता हूँ। जरा होशियारी से चलो। अरे मंगत राम जी, आइए आइए, बिराजी है। हम बिराजने नहीं आए यहाँ। खड़े रहिए, खड़े रहिए। सब सुख शांत है ना मंगत राम? मेरे सुख शांत की फिक्र न कर कृपाल सिंह, अपनी खैर मना। बहुत वाही कर ली हमारी जमीन पर। तुम्हारी जमीन? हाँ हाँ, हमारी जमीन। मेरी हो या मेरे भाई की, है तो हमारे ही खानदान की। कि हमारा आपस का मामला है, तू कौन होता है बीच में? अगर तूने हमारी जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा कृपाल सिंह। वो तो तुम आज भी हो। देख मंगत राम, ताव खाने की जरूरत नहीं। जाई और केवल ने ये जमीन खुद मुझे दी है वही करने। उन्होंने दे रखी है या तुमने झांसे से ले रखी है? जो पाए ममत्या। लो शुरू हो गया तमाशा। ऐसे ही होता है बिटिया। अब मुझे ही देखना, तेरे बाबूजी के साथ जीवन भर का संबंध था, तीला तोड़ते सब कुछ खत्म हो गया।
से भी कभी रिश्ते टूटते हैं माँ। तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। तेरे बाबूजी ने है तो केवल ने संभाल लिया हमें। तू है तो दिन कट जाता है। जैसे तैसे वक्त के साथ निभा कर रहे थे तो दुनिया वालों की गंदी नजरों से कौन बचाएगा हमें। देखना अपने ही पराए हो गए। अपने थे ही कब जो पराए हो गए। आज लगता है मैं बिल्कुल अकेली हो गई। ऐसा क्यों कहती हो माँ। मेरे बाबूजी भी तो नहीं रहे। ऐसा क्यों कहती हो। मैं हूँ, भाई है, सारा गांव तुम्हारा है। अगर तुम इसी तरह रोती रही ना तो मैं भाई कुछ सारा कारनामा बता दूंगी। ना ना पुत्र ना, उसे कुछ ना बताना। ना तुझे मेरे सिर की सौ, उसे कुछ ना बताना। पर अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो जरूर कहूंगी। पगले कहाँ रो रही हूँ मैं, कहाँ रो रही हूँ। अगर तुमने उसे कुछ बताया ना तो तुम्हें मरो बाबू देखेगी। कुछ नहीं कहना बेटा, मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। तेरी चली नहीं दुर्गा। तेरी चली नहीं दुर्गा। जैसे मैं अकेली गई थी वहां पर तुम ही तो गए थे उस पर चादर डालने के लिए। क्या मैं अपने लिए गया था चादर डालने। तूने तो कहा था चादर डालने के लिए। वैसे तो तुम जैसे मेरी हर बात मान लेती हो। तुम्हारा बस चले तो सारे गांव की औरतों पर चादर डाल दो तुम। अच्छा अच्छा बाबा बस कर। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तेरे तारे नहीं खत्म होते। बाबूजी तू ही कहो तो केवल का बंदोबस्त कर दे। तो चुप करो ये मुसंदिया। तुम मुसंदो को झगड़े फसाते रहो, कुछ और भी आता है। अब तो बात समझती नहीं लगता। जमीन तो छोड़ो मामा, इतना लड़ झगड़ कर आई है कि राम राम की खत्म हो जानी है समझो। अरे तुम सबको तो मुझ में ही दोष नजर आता है, लेकिन मेरा नाम भी दुर्गा है दुर्गा। अरे कृपाल सिंह के खेतों पर वाही करने के दिन खत्म हुए समझो। अरे कमला के लिए अपने परिवार से ऐसा लड़का ढूंढूंगी कि परजाई ना ही नहीं कर सकेगी, फिर जमीन भी अपनी और कमला भी अपनी। हाँ अगर वो तुम्हें घर में घुसने देंगे तो ना। हर चुप करे। कहाँ भागी जा रही है। जल्दी ना, जल्दी ना। ओ दादी की गल है। पटा कर पहले जाऊं। नहीं दादी, अच्छी बच्चियां ऐसे नहीं घूमती। क्या है दादी, मैं जरा जल्दी में हूँ। जल्दी की बच्ची, पहले बता कहाँ जा रही है। दादी अभी आके बताती। खोल जा, तू बहुत बड़बड़ करने लग पड़ी है। पता कहाँ जा रही है, नहीं तो गुत फुट के हाथ में पकड़ा दूंगा तेरे। हाय ताया जी, जल्दी काट दीजिए ना, मेरा भी बड़ा दिल करता है बाल काटने को, पर माँ के पाने ही नहीं देती है। पापा जी आप इस लड़की से जीत नहीं सकते। वो जीत तो मैं तभी जाऊंगा, पता कहाँ जा रही है। ताया जी केवल जी को लेने जा रही हूँ बस स्टैंड पर। ओ, तो ये बात है। ताया जी आपको समझने में बहुत देर लगती। अच्छा अब जाओ बस अड्डे ना जाऊं। नहीं ओए मैं धीरू को भेज दूंगा। जा धीरू ये वो चले आई। कोई नहीं, तेरे ट्रैक सूट लेके आया, वो पहन के भागे सब ठीक हो जाएगा। और तू भाई हार रहा है जीत रहा है। कैसे हैं आप ताया जी। तू कैसा है बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सब कैसे चला यहाँ पर।
वैसे तो ठीक चल रहा था, मेरा मतलब है दौड़ रहा था, लेकिन आज सुबह से सब रुका हुआ है। क्यों? बस जिस दिन तुमने आना होता है यहाँ कोई काम काज नहीं होता, सब तेरे इंतजार में बैठे ही रहते हैं। सब आपके प्यार के धीरू चाचा, शहर में भी आप लोगों की बहुत याद आती थी। काम कैसा चल रहा है? अरे फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। पता शहर से किस्तों की पोटली भरकर लाया हूँ, मेरा दोस्त है ना गुरशरण, आज शाम को बता। बस, मुझे पता है तेरा पेट फटा जा रहा है। इतनी सारी बातें तुझसे अकेले हजमी नहीं हुई, बैठ जा थोड़ा सांस ले ले। ओए भाई, इसके लिए लस्सी वस्सी का बंदोबस्त करो भाई। हाँ जी, और टिल्लू आधा ग्लास है लस्सी ले आई, छेती करी। बातें बाद में होंगी ताया, पहले ये देखो मैं आपके लिए शहर से क्या लाया हूँ। ये है पगड़ी। वाह वाह, ये रंग पहन के सदाजी आप फिर से जवान लगेंगे। फिर से का क्या मतलब है तेरा? और मैं अब जवान नहीं हूँ क्यों बता रहा? नहीं, मेरा मतलब है आप 16 साल के जवान लगेंगे। और चाचा जी, आपके लिए लाया हूँ ये जूते। जूते? मुझे हर जगह जूते ही मिलते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। समझा, तुझे कहा था ना पहले ट्रैक सूट लाओ, ये ले। देख जल्दी से ठीक ठाक हो जा, इसके बाद दोनों इकट्ठे रोड लगाएंगे। और ताजी घर में सब कैसे? सब मजे में। हमने कही जब से आई है उसने रट लगा रखी है, वीर से मिलना है, वीर से मिलना है, वीर से मिलना है। हाँ ताजी, अमृत से मिलने भी अरसा हो गया। अरे हाँ, मेरा वो कुचरू मुचरू भी आया हुआ साथ में। तेरा कुचरू मुचरू भी आया हुआ है, आज शायद जगदेव भी आएगा। जगदेव भी आएगा, ठीक है, मैं बाद में उन सबसे मिलूंगा। बाद में नहीं, अगर उसे जरा भी पता लग गया ना कि तू आया हुआ है तो उसने अपने कुचरू मुचरू को लेके तुझे मिलने आ जाना है। ठीक है, अभी घर जाने से पहले उनसे मिलता जाऊंगा। काई से भी तो मिलना ना, आप शाम के महफिल के लिए तैयार रहिए। बस सूट पहन लो। नहीं, मेरी पगड़ी पहनी है बस। अभी सारे गाँव को खबर हो जाएगी कि केवल आया, सारा गाँव यहाँ भागा हुआ आएगा, फिर तो मजा आ जाएगा। अमृत कहाँ? अमृत कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। अमृत कहाँ? अमृत अरे मैं तो समझी तुम दोनों लड़ाई करोगे, अब क्या हुआ? क्यों भाई, क्यों झगड़ा करेगी मुझसे? झगड़ा तो मैं अब भी करूंगी आपसे। ठीक है कर। आप हमारे घर क्यों नहीं आते? इन्होंने क्या कहा नहीं आपसे? तेरे ताया ने तेरे को दो बार कहा। हाँ कहा ना, जगदेव ताया ने तो बहुत प्यार से बुलाया मुझे हर बार घर, लेकिन क्या करूँ भाई, काम में इतना मसरूफ हूँ ना मैं, काम सेटअप करने में बहुत मुश्किल है। और अब भगवान की इसके ऊपर बहुत कृपा है। आपको कैसे मालूम धीरू चाचा? तू मेरे लिए जूते जो लाया है। मेरे लिए क्या लाया? तेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया, मैं लाया हूँ अपने कुछ मुजरू के लिए। कहा है वो? साथ वाले कमरे में। चल 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 चल, बात भी कर रही हूँ। आजा बैठ जा। सरदारी जी इससे कहो कि जल्दी करे, नहीं तो कमला मुझसे लड़ेगी, इसे तो सरदार जी बस के अड्डे पे भी नहीं चल देते। अरे बड़े दिनों के बाद तो आया है केवल मिलने में भाई बहन को। जब भी लेने जाती हूँ ना भाई को, ताला मुझे वापस भेज देता है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है। बस तो कब की आ गई होगी, बैठा होगा डेरे पे, गप्पे लगा रहा होगा भाई के साथ, शहर भर की बातें पूछ रहा होगा। ताई को बस दो ही काम है, डेरे पे बैठ के गप्पे मार लो या बोतल से। वैसे बोतल तो ताया पीता नहीं है, पर फिर भी माँ कुछ फिक्र करे, कमली इंतजार कर रही है। चलो मेरा नहीं तुम्हारा ही फिक्र करे ना, ये तो मेरी शराफत है ताई से कुछ नहीं कहती। और एक हमारा भाई,
वो तो है ही कनरसिया, जहाँ बातें वहाँ वो, कोई फिक्र नहीं। माँ बैठी खाना बना रही होगी और एक तुम हो, पानी रख दो, खाना बना लो, आके उसको भूख लगी होगी, मूली और आलू की सब्जी, वाह खाएंगे जनाब। ला, मेरे को इंतजार नहीं है, बस तो आ गई होगी ना।